भाजपा प्रदेश कार्यालय दीप कमल में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने भारत का तिरंगा फहराया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने कहा कि देश 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। सभी प्रदेशवासियों व देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शत शत बधाई। इस मौके पर देश के श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो उद्गार व्यक्त किया है वो अपने आप में अनूठा है। उन्होंने कहा कि आज 78वां स्वतंत्रता दिवस है, हमें कर्तव्य की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। जहां केंद्रीय सरकार का कर्तव्य है, केंद्रीय अधिकारियों का कर्तव्य है, जहां प्रदेश की सरकारों को अपना कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए, वहीं 140 करोड़ देशवासियों को अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा करना है और इसके लिए रिफॉर्म लाने होंगे। प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक संस्था को इस वर्ष में कम से कम 2 रिफॉर्म करने चाहिए। वो पंचायती राज संस्थाएं हैं या जिला की संस्थाएं हैं या वो नगर निकाय हैं, वो प्रदेश की सरकारें हों, देश की सरकार हो, वो सामाजिक संस्थाएं हैं, सभी को 2 रिफॉर्म करने चाहिए। यदि इस प्रकार 2 रिफॉर्म करेंगे तो पूरे देश के अंदर लाखों रिफॉर्म्स होंगे, जिससे हमारा देश रिफॉर्म्स करते हुए ट्रांसफॉर्म करेगा। आज पूरा देश 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। समूचे हिमाचल वासियों को, समूचे देशवासियों को आज के स्वतंत्रता दिवस की शत शत बधाई। इस मौका पर देश के श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी ने जो उद्गार व्यक्त किए हैं वो अपने आप में अनूठे हैं। उन्होंने कहा कि आज 78वां स्वतंत्रता दिवस है, हमें कर्तव्य की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। जहां केंद्र सरकार का, केंद्रीय अधिकारियों का कर्तव्य है, जहां प्रदेश की सरकारों को अपने कर्तव्य का निर्वहन करना है, वहीं 140 करोड़ देशवासियों अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र की कड़ी के अंदर खड़ा करना है। इसके लिए रिफॉर्म्स लाने होंगे। प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक संस्था को इस वर्ष में कम से कम 2 रिफॉर्म करने चाहिए। वो पंचायती राज संस्थाएं हैं, वो जिला की संस्थाएं हैं, वो नगर निकाय हैं, वो प्रदेश की सरकारें हैं, वो देश की सरकार है, वो सामाजिक संस्थाएं हैं, सभी को और व्यक्तियों को 2 रिफॉर्म्स करने चाहिए। यदि इस प्रकार 2 रिफॉर्म करेंगे तो पूरे देश के अंदर लाखों रिफॉर्म्स हो सकेंगे और मेरा देश रिफॉर्म्स करता हुआ ट्रांसफॉर्म करेगा। मोदी जी ने कहा कि मेरे देश के लिए परिवारवाद उस प्रकार से है जैसे राजशाही राजाओं के परिवार होते थे, वो सत्ता चलाते थे। परिवारवाद मेरे देश को किसी तरह भी स्वीकार्य नहीं है, वो प्रदेश की, देश के विकास के अंदर घातक है। मोदी जी ने कहा कि भ्रष्टाचार किसी भी कीमत के ऊपर सहन नहीं होगा।